नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला दिल्ली के फिरोजा कोटला स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। भारतीय टीम में आशीष नेहरा और श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर को टीम में इसलिए शामिल किया गया है कि उनका पिछले एक साल का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा। आपको बता दें कि अय्यर विकेट कीपिंग भी करते हैं और उन्हें धोनी के रूप में फ्यूचर देखा जा रहा है, क्योंकि धोनी अब ज्यादा साल क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और इसीलिए रवि शास्त्री के कहने पर ही उन्हें टीम में लेके आया गया है। और पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद दिनेश कार्तिक को बाहर बैठा कर अय्यर को टीम में शामिल किया गया, क्योंकि धोनी के कंपेयर पर अय्यर को टीम में शामिल कर उन्हें एक्सपीरियंस दिया जाना चाहिए। यह रवि शास्त्री का कहना है और रवि शास्त्री का मानना है कि छोटे फॉर्मेट में धोनी की जगह अय्यर को खिलाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि धोनी क्या अय्यर के आगे झुकते हैं और टीम से बाहर होते हैं, या रवि शास्त्री के कहने पर उन्हें टीम से निकाला जाता है, या फिर धोनी अपने प्रदर्शन के बलबूते पर लंबे समय तक अभी भी क्रिकेट खेलते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि धोनी लंबे समय तक क्रिकेट खेलते रहें तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।